या सरकार हमने बेचना चाहे परांगे ये सड़क पाया फिर लाठी ठैक ने जाओगे जरा हमने जाना होया। प्रधानमंत्री शुरू तो झूठ बोलता आने लग रहा 15-15 लाख कदे कुछ रोज के घोसले कर लग रहा है। रोड पर हम ले दिए हम बेचने रह रहे हैं हम ना कदे बेच दो। मशीन एक काम अनेक इस्तेमाल करे भारत का इकलौता फुल्ली गियर ड्राइव पुन्नी सुपर सीडर जो पुआल को जमीन में नीचे दबा देता है जिससे उस पुआल का खाद बनकर किसान की फसल को फायदा पहुंचता है। जैसा कि किसानों के द्वारा हर जगह पर जो रोड जाम किए जा रहे हैं जैसा कि आपने देखा पूरे प्रदेश से जो अलग अलग तस्वीरें आ रही है वहीं इस वक्त हम फतेहाबाद जिले के टोहाना विधानसभा के गाँव सुमैण में है। यहाँ पर भी किसानों ने आप देख सकते हैं बैरिकेड लगाकर जो पूरी तरह से रोड जाम कर दिया और कहीं ना कहीं किसानों के अंदर जो रोष है वो बिल्कुल नज़र आ रहा है कि किस प्रकार जो सरकार के द्वारा अध्यादेश लाए गए हैं इनके खिलाफ कहीं ना कहीं रोष देखने को मिल रहा है। ये इनसे बात भी करते हैं तो किस लिए लगाया जी आपने जाम? ये 3 अध्यादेश जो सरकार लेके आई इनके खिलाफ लगाया हमने। तो क्या जाते हैं मतलब जो सरकार तो कह रही है कि आपके किसानों के हित में है? ये झूठी सरकार है कुछ भी बोल दे रहा है लेकिन जब तक ये वापस नहीं होंगे हम इसको रोड खोलने का वो नहीं करेंगे। क्यों लगता है आपको भाई ये मतलब किसानों के हित में नहीं? ये तो सारी पूंजीपतियों का सिस्टम बढ़ा के दे रखे इसमें सारा का सारा। इसमें तो सारे पूंजीपति आने वाले टाइम में किसानों को तो मार देंगे इस करके हम नहीं वो कर रहे। तो आप बताएं जी जैसे आप यहाँ पर सुबह से बैठे हुए हैं काफ़ी किसान आपके साथ तो किस लिए आप करते हैं? हम जो केंद्र सरकार सेंटर में एक वो ले एक कानून ले जमींदारों के खिलाफ उसके उसमें बैठे हम भाई एक कानून हम पास नहीं होने देंगे बिल्कुल भी। क्या लगता है भाई मनोहर लाल जी भी कह रहे हैं और पीएम भी कह रहे हैं भाई जैसे देश के जो कृषि मंत्री है तोमर जी वो भी कह रहे हैं भाई तो किसानों को जो आमदनी ज़्यादा होगी उनके फायदे के लिए? नहीं नहीं कहना बिल्कुल बका रहे हैं ये कहना बिल्कुल कहना जमींदारों का बिल्कुल खिलाफ है ये कानून हम इसको बिल्कुल नहीं पास होने देंगे इसका कहना डटकर विरोध करेंगे। प्रधानमंत्री शुरू तो झूठ बोलता आने लग रहा 15-15 लाख कदे कुछ रोज के घोसले करने लग रहा है ये तो ये अब कौन से इसकी तसल्ली है कि ये सही करेगा इसमें किसानों के लिए? इसमें ये आवाज़ भी आ रही है जैसे जो आड़ती है और किसानों को उनको अलग अलग किया जा रहा है हालांकि एक ही चलते थे तो उसमें क्या कहेंगे आप? आड़ती तो हमारे तो देखो जमींदार का आड़ती के बिना काम नहीं चल सकता अलग अलग करके हम तो मारे जाओगे जमींदार आदमी क्योंकि हमारा तो ATM है आड़ती आधी रात को भी पैसे मिलते हैं ATM में शायद ना भी हो लेकिन आड़ती जरूर जमींदार को पैसे देगा तो इनके तो खिलाफ रहेंगे हम। उसमें एक और वादा है आज तक के नाम है जमींदारों की कोई शिकायत नहीं आड़तियों के प्रति हरियाणा में या पंजाब में कहीं भी कोई जमींदार ने कहो भाई आड़ती हमारे खिलाफ है आड़तियों का जमींदारों का तो कम्बिनेशन है बढ़िया आड़ती दूसरा काम चल सकता हमारा उनके बिना आड़ती के पास जाता है आड़ती जमींदार के पास नहीं आता। तो अब सरकार कह रही है कि किसान कहीं भी बेच सकते हैं हमने मतलब रोड पर ले आना चाहवा है लेकिन हमने बेचना चाहवा है लेकिन उसके उसमें हम नहीं बिकना चाहते सरकार में। खट्टर साहब तो कह रहे हैं बस किसानों का भला करेंगे। खट्टर कुछ नहीं करता खट्टर मारा बुरा कर सका भला कुछ नहीं कर सकता रोड पर हम ले दिए हम बेचने रह रहे हैं हम ना कदे बेच दो। अच्छा आपको क्यों लगता है भाई जो अध्यादेश है ये आपके किसानों की आड़तियाँ तक क्यों तोड़ा है उसके क्या मतलब है? महाराज 70 साल का वो है हमारे बुजुर्ग बदल वो कर लग रही आड़ती गल है खट्टर आज थोड़ा आया है खट्टर तो पहला कितनी सरकार है ली वो तो आज है कि देश का मोल करने लग रहा है उससे पहले कितने तीन मुख्यमंत्री है इसका कोई अनुभव नहीं था लेकिन वो थोप दिया देश के ऊपर हरियाणा सरकार में बिठा दिया यू लेकिन इसका कोई अनुभव तो नहीं है ना आज तक का। अच्छा आड़तियों का जैसे चोले दामन का साथ रहता है जैसे पैसे विवाह शादी में भी जो किसान है वो लेता है तो जब इसका अलग अलग हो जाए तो क्या मानते हैं आपको दिखते हैं? हम तो को दिक्कत आएगी जी इब भी आएगी आड़ती तो मतलब सरकार तो अपना पीछा छुटाने लग रही है आड़ती तो हमारा आधी रात का गहना है लोगों ने मतलब हमारा सुनना गहना नहीं आ सकता सुनना किसी के पास हो कुने आध पीछे दर दे सुनना लेगा और गहना दर दो कुने में वो करूँ लेकिन आड़ती मारता पीछे आता नहीं नाटता सुनना ने भी कुने उठता कुने। तो क्यों क्या लगता है आपको किसानों को बेचेगी या सरकार कड़ियाँ बेचो चाहे मारो चाहे बेचो हम नाटता बर्बाद करके टोरेगी या सरकार। तो अब क्या लगता है जैसे अब आम जी मारी थार पार की आर पार की लड़ाई हमने कोई घबरा नहीं मारा चाहे फांसी ला दे जेल कर दे हमने कोई जरूरत नहीं इस जिंदगी लोगों ने उम्मीद थी एक तो क्या लगता है मतलब जो किसानों के साथ ऐसा सरकार जो अलग कर रही है आड़तियों को या जैसे आपका लालच में कर रही है इनकी कड़ियाँ भी देश में फायदा होगा इनका कड़ियाँ और लियादी होगी कि इनका फायदा होगा हमारा नुकसान है। ये लोगों ने उम्मीद थी कि दुष्यंत आदमी ठीक है भाई इसमें लोग देवीलाल ने देखे थे लेकिन ये तो उस इतना गद्दार आदमी लेकिन किसानों के प्रति तो बहुत ज़्यादा ये तो एक और बात है जो बेरा के था सारा देश अडानी और अंबानी का पूरा कब्जा कर दिया एक और हमारी जमीन बिजली जमीन
या भी ऐसी पॉलिसी लगा भाई तीन दिहाड़े से बस जमीन और उनके रह रही है या उनके हाथ में देना चाहती है बस सरकार का मकसद ये है बस। आगे क्या नीति रहेगी अगर सरकार पुनर्विचार नहीं करती? बिल्कुल से खिलाफ रहेंगे ये तो सड़क पाया फिर लाठी ठहकने जाओगे जरा हमने जाना होया दिल्ली जाना होया चंडीगढ़ सरकार जेल खुली रखा हमने कोई जरूर नहीं देखो मरना है सरकार मार देगी और बढ़िया रहेगी सरकार ने मारने मर जाएंगे नहीं सरकार मारेगी मना तो है बच्चे आड़े ईंट पाथर लग रहे जमींदार आगे को जीरी लावा को किमे लावा है मारे बच्चे जीरी लावे किसी का नहीं उकरेंगे मां माज मर जाए हमने के दुख है इस जिंदगी का नहीं एक और है यूपी में मतलब जो सिस्टम यूपी में पहले है यहाँ अपने से यूपी के लोग वहाँ जीरी बिकती है 1500 जो भी अपनी और वहाँ कनाडा का बेचा जीरी अपनी वहाँ से मतलब जो ये मिलर खरीद के यहाँ लाते हैं हरियाणा पंजाब में सिस्टम ठीक है आड़ा खराब कर ले रहे हरियाणा पंजाब का मजदूर कहीं जाके दिहाड़ी नहीं करता दूसरा उसमें और अपना उसमें हरियाणा पंजाब का लग रहा उस सरकार ने हमें बेच रखे है या सरकार हमने बेचना चाहवा है मतलब फिर आपको भी दिहाड़ी करने दूसरे हाँ गुलाम बनाना चाहवा आपका या जमीन इनकी और कड़ियाँ दे दो लेकिन इनकी गुलाम करके और अपना हाथ में रखियो अडवाणी लिया बड़ा अच्छा और लियाओ गुणे ठीक है जी। तो ये थे हमारे साथ गांव समैन के किसान टोहाना विधानसभा के अंदर जो गांव आता है इनका जो सरेआम इन्होंने कहा है कि वो इन अध्यादेशों को पास नहीं होने देंगे इनके लिए चाहे उन्हें कुछ भी करना पड़े। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ताज़ा तरीन खबरों के लिए जुड़े रहें TBN न्यूज़ के साथ।